ये लाइव डालूंगा, है ना। मैं केवल गोपनीय बात नहीं बोलूंगा, मैं सार्वजनिक बोलूंगा। नाम अनिल गुड़ाई, भोपाल में रहता हूँ, UPMS हॉस्टल का छात्र हूँ। और उस वक्त हम लोग करीबन 1000 स्टूडेंट के साथ में रोड पे आते थे। जब हम 1000 स्टूडेंट के साथ रोड पर आते थे तो सरकार डर जाती थी। और मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है, हम इस देश के अंदर में पीड़ित 80-85-90% लोग हैं, उसमें अगर हम 10-15 करोड़ लोग अगर रोड पे आ जाए तो चाहे कोई भी सरकार हो, वो सरकार हिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, रोड पे आ जाए, बस एक दिन के लिए रोड पे आ जाए, सफिशेंट है। तो यहाँ पर जो शासन है वो संविधान का शासन है, संविधान सर्वोपरि है। हमने इस देश में जब अंग्रेजों को भगाने के बाद में शासन अपने अंतर्गत लिया तो वो संविधान के रूप में, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को चलना है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को चलना है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को चलना है, संविधान के अनुसार सारी की सारी जुडिशियरी है, सारी की सारी IPS लॉबी है, IAS लॉबी है, या अन्य जो CBI है, जो भी संस्था है, पत्रकार है, सबको वो संविधान के गाइडेंस में चलना है। तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। तो जो संविधान विरोधी है वो सबसे पहले देशद्रोही, सबसे पहले समझ जाइए, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं वो संविधान देशद्रोही है। देशद्रोह में कौन कौन आते हैं, जैसे एक बाबा बोल रहे थे कि राम राज्य लाना है और संविधान को भगाना है, संविधान को नष्ट करना है ना, ये देशद्रोही का सिद्धांत है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर केस दायर करके उसको अंदर करना चाहिए था। एक बाबा कहता है कि जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है, मांग में सिंदूर नहीं पहन, उनको हम खाली प्लाट समझते हैं, उनको हम खाली प्लाट समझते हैं, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। ये महिलाओं के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी थी। इस अभद्र टिप्पणी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना था, क्योंकि यही चीजें जो डाउन करती है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी एक मंदिर में जाने के लिए जाती है तो उनको जो गर्भगृह होता है उनसे बाहर रखा जाता है खड़ा, और वहां तक तो बात ठीक थी। हम कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, आपका मंदिर है, आप उसके पुजारी हो, वहां तक बात सही है। लेकिन आप वहां का पुजारी बाहर आके एक स्टेटमेंट देता है कि हमारी इसमें एक प्रथा है, हम उनको कोई शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद में एंट्री दिलवाते हैं। तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि मानता है, उसके अनुसार उसका अपमान करने का साहस एक पुजारी करता है जो दो टके का है, जिसकी कोई अकल नहीं होगी, 8वीं क्लास पास होगा। तो भारत के माध्यम से, भारत के संसदों के माध्यम से, पूरे विधानसभाओं के माध्यम से जिनको सम्मान दिया गया है, जो संविधान की रक्षक है, उसको दबा दिया गया है, उसको दबा दिया गया। हम बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोल रही है, राज्यपाल को दबा दिया गया है, मुख्यमंत्री प्रेशर में है, लॉबी हमारी IAS लॉबी प्रेशर में है, मीडिया को दबा दिया गया है। उस वक्त हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट है जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए है, एक इंसान को इंसान जैसा जीने का अधिकार है। भाई हम अगर इंसान होकर इंसान जैसे नहीं अगर जी पा रहे तो जिंदा रहने का क्या मतलब है, मुझे बताइए। जानवर जैसा जिंदा रहकर क्या करोगे आप, कौन सा ऐसा तीर मारने वाले हो। तो जीना है तो इंसान जैसे जियो, नहीं तो मरने के लिए खड़े हो जाओ, मरने के लिए खड़े हो जाओ, मारने वाला डर जाएगा। आप धर्मों के नाम पे मत लड़ो, मैं पहली बार बोल रहा हूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशन अखंड भारत की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्थिक आजादी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन समानता बंधुत्व न्याय की बात करता है, पंथनिरपेक्ष की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सफिशियंट है इस देश को ग्रोथ करने के लिए। जापान जैसी कंट्री ने हमारे यहां से आइडियोलॉजी उठाई और इन्वेंशन के बेस पे सबसे नंबर वन पे है। अमेरिका ने हमारे यहां से आइडियोलॉजी उठाई, उन्होंने चेंज किया। और यहां का कुछ वर्ग ऐसा है जो धार्मिक नाम से आतंकवादी संगठन चला रहा है, वो समझता है कि हम बड़े विद्वान है। मैं उन बेवकूफों को ये बोलना चाहता हूँ, अबे गधो, तुम अंग्रेजों के गुलाम क्यों हुए, तुम मुस्लिमों के गुलाम क्यों हुए। मुस्लिम के बाद 55,000 मुस्लिम आए थे, क्योंकि तुमने तब भी वर्ण व्यवस्था जारी की थी, तुमने जाति व्यवस्था जारी की थी, तुम्हारे जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के कारण यहाँ के लोग कमजोर हो गए थे, उसके कारण भी गुलाम हो गए थे। आज तुम ओली जाति व्यवस्था लाना चाहते हो,
उसी को तुम क्या समझ रहे हो? हम लोग मर जाए और गुलाम हो जाए तो तुम आजाद रहोगे इस देश में, तुमको भी गुलाम किया जाएगा। तो इसलिए ये जो मूर्ख जमात जो है, जो मूर्खतापूर्ण जो काम कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं? वो करते हैं अपना बुद्धि स्तर होने के कारण। ये लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, निशागमन करते हैं, चोरी करते हैं गलत तरीके से। अभी एक साधु को जो प्रवचन देता है उसको हमने फेसबुक पे देखा, वो दो महिलाओं के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया, लोगों ने उसको अच्छे से ये किया, क्योंकि इनका चरित्र उस तरीके का है। और ऐसा चरित्र प्रदान करने के लिए उन्होंने धार्मिक नाम से ग्रंथ लिखे रखे और उसको ईश्वर की आज्ञा बताया और बोला प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। ये ब्रेन को प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, क्योंकि आप जब प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हो तो आपके ब्रेन में सारी चीज जाती है, और जब सारी चीज जाती है तो उसी के अनुसार ब्रेन एक्ट करता है। इसलिए आतंकवादी कमरों के अंदर प्रशिक्षित करके तैयार किए जाते हैं, किसी को गोमांस के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे, किसी को ये जो पीड़ा वाली बात होती है इसके लिए पहले बाकायदा ट्रेनिंग क्लासेस तैयार किए जाते हैं, मीडिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। मैं सोशल मीडिया को ट्रेंड देख रहा हूँ, कुछ विशेष प्रकार के जो लोग हैं, जो विशेष संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मणिपुर को घटना के लेके एक आवाज तक नहीं लगा रहे। ऐसा लगता है कि ये मरे मुर्दे हैं, केवल जो लोग पीड़ित हो रहे हैं वो केवल लिख रहे हैं। और शर्म तो तब आती है कि जिनके हाथ में हमने पावर दिए उनको वो लाइन ऑफ ऑर्डर कंट्रोल करना चाहिए वहां से, माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये संत जैसे भाषण नहीं देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां से आदेश का पालन करने वाला मिलिट्री उनके अंदर में है, सारी चीज उनके अंदर में, उनको ये देना चाहिए कि यहाँ पर अभी एक्शन होगा, जितने दिन में एक्शन होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे कार्रवाई, इसका मतलब सरकार मर चुकी है। तो ऐसे मुर्दा सरकार को दोबारा चुनाव में लाके आप क्या करेंगे? हमें अगर वो जिंदा रहने का सबूत नहीं देते, अगर ये जिंदा प्रधानमंत्री है, जिंदा प्रशासन है, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं, मैं संविधान के सपोर्ट में। अगर ये जिंदा रहने का सबूत देंगे तो हम उनका आदेश का पालन करेंगे, अगर ये जिंदा रहने का सबूत नहीं देते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट को लागू करने का काम हमारा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपके जान को जब खतरा अगर हो, आपके जान को खतरा हो तो आप दूसरे की भी जान ले सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। बोली जी, आपके परिवार के जान को खतरा हो कुछ हो तो आप कानून अपने हाथ में ले सकते हो। इसलिए आप बुद्धिर मत बनो, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बुद्धिर मत बनो। अगर आप बुद्धिर बनोगे तो ही आपके ऊपर पीड़ा होगी। और मैं खास तौर से कुछ समुदाय को ये बोल रहा हूँ कि वो अपने चर्चों में या इधर उधर तक सीमित हो जाते हैं, हमको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रूप में इकट्ठा होना है। आपका पैसा कोई काम नहीं करेगा, आपका प्रधानमंत्री पद भी काम नहीं करेगा, आपका संसद पद काम नहीं करेगा। जब जनता अगर भड़क जाएगी ना तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। मैं ये वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं एक दार्शनिक व्यक्ति भी हूँ, मैं ज्ञानी भी हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज़ें कैसी होती है। श्रीलंका से उसका राष्ट्रपति जब भगा तो पता ही नहीं चला, जब जनता भड़क गई तो। इसलिए जनता को कमजोर नहीं समझे सरकार, जनता को कमजोर नहीं समझे कि चुपचाप बैठे हैं तो हम लोग सारे लोग चुप है। उनके अंदर अगर आग लग गई ना तो मिलिट्री के अंदर में पावर नहीं है लाइन ऑफ कंट्रोल करने का। मैं बोल रहा हूँ कोई भी संस्था नहीं रोक पाएगी यहाँ की ये चीजों को। इसलिए टाइम रहते हुए शांति स्थापित करने का काम करे और गलत रास्ते पर भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम करे। हमारा काम है शांतता प्रदान करना, चाहे कोई भी व्यक्ति गलत लाइन पे जा रहा है तो हमको, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है ये बंदूक वाली विचारधारा नहीं है। मैं आपको और भी बता रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बंदूक रखने का अधिकार दिया है, लेकिन किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए, किसी की जान लेने के लिए, जानबूझ के। जानबूझ के अगर आपने कहीं हवाई फायर भी किया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, जानबूझ के आपने किसी को डराने के लिए, लेकिन आपको अपनी जान लेने के लिए। आप बंदूक की गोली भी अगर मारते हो तो किसी की छुट्टी के ऊपर नहीं मार सकते। अगर वो आपको मारने के लिए आ रहा है, आपको पता है जब आपकी जान को खतरा है तो आप उसको मार सकते हो, और उसका भी आदेश पहले आप उसके घुटने को मारोगे न कि आप उसके छाती पे। कोशिश ये करोगे कि वो समझ जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लौचिक भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सम्मान देने की बात करता है। इसलिए बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया, उसका एक एक ड्राफ्ट का संविधान के अंदर में, संविधान सभा के अंदर जब डिबेट डिस्कस हुआ, जब सदस्यों के सामने, तो उसका विचार मंथन होता था। और इस देश की आज़ादी कैसे चिरस्थायी स्थापित हो, आज़ादी कैसे चिरस्थायी स्थापित हो, ये देश कैसा गुलाम दोबारा न बने, ये देश इस प्रकार से वैज्ञानिक बने। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ,
तो मैंने आज एक बात कही, बहुत जोर से कही, कि मैंने कहा मेरा रिश्तेदार कोई सबसे बड़ा है तो मेरा पड़ोसी है, क्योंकि अगर मुझे कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा पड़ोसी सबसे पहले मेरे पास आएगा। वो पड़ोसी कौन से जात का है, कौन से धर्म का नहीं, लेकिन अगर आप बांट रहे हो कि ये इस धर्म का, इस जात का, हम कोई रोड पर अगर कोई दिखता है तो हम पूछते क्या उसको कि तुम कौन से जाते हो, किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम 108 डायल करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनके साथ जैसे लोग आ जाते हैं वो ब्लड डोनेशन करते हैं, हम पूछते हैं उसको कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है क्या। हमारे अंदर मानवता का भाव ऑलरेडी अंदर में है, लेकिन हमारे अंदर में दो चीज़ें, एक है हमारे अंदर में द्वेष वाली भावना भी है, जो संत महापुरुष जो काम करते थे, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर की जो नालायकी बुराई भगाने के लिए काम करते थे और अच्छा स्थापित करने का काम करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ढंग से आप देखो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वही करना चाहता है। अभी हम लोग जबरदस्ती एनर्जी कर रहे हैं, आज जो द्वेष का वातावरण जो तैयार किया जा रहा है उनका उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो फैलाना बंद कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना हुआ है, आप अगर बबूल का पेड़ लगाते हो बबूल का बीज डालना पड़ेगा, और बबूल का बीज डालोगे तो वो पेड़ भी बबूल का आएगा। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आपका अच्छा हो तो आपको अच्छे कर्म करना पड़ेगा, उसी का फल अच्छा आएगा, बुरा करके आपको ये नहीं है ना। फिर आप ये मत बोलना कि कश्मीर जैसा इधर पंडितों के साथ ये हुआ, वो अपने आप नहीं हुआ, इसका कारण भी है। एक व्यक्ति जो बोले मैं ब्राह्मण हूँ, उससे मैंने बात किया, मैंने कहा वो उधर अल्पसंख्यक है, तू वहाँ पर अल्पसंख्यक हो तो तुम्हारे साथ उधर ऐसा हुआ कि यहाँ बहुत सके हो तुम इनके साथ करते हो, तो एक दूसरे के साथ में ऐसा करते हो भड़काते हो तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन को नंबर वन के रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश के अंदर में जो फिलासफी देने का काम किया हो तथागत गौतम बुद्ध ने किया, उसके पहले काबिलियत जमात थी, वैदिक और ये दूसरी संस्कृति में काफ़ी झगड़े थे, उन्होंने इस देश के अंदर में गणतंत्र प्रणाली दी और वहीं से बाबा साहब ने उठाया, वहीं से उठाया। वो बहुत प्रोग्रेसिव राज्य था, सम्राट अशोक का जब राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ तो उनके बाद में 13 टुकड़े हो चुके हैं भारत के। हम इस देश को सम्राट अशोक का ही भारत बनाना चाहेंगे, मैं अपनी जान उसमें लगा दूंगा, है ना। हमारे जो 13 टुकड़े हुए उसमें हम भाईचारा पैदा कर देंगे, हमको ये नहीं रहना भाई। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। वैसे भी आपका जन्म हो आप मरने वाले, ऐसा कौन आदमी बोले कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। 60 साल का कोई मरेगा, कोई 70 में मरेगा, कोई 80 में मरेगा, कोई 100 में मरेगा, कोई 110 में मरेगा, कोई 14, मरना ही मरना है। जब हमारा जन्म हुआ तो मरने वाले हैं तो हम जिंदा किसके लिए, ये सबसे पहला सवाल है ना। जो मरने वाले लोग हैं उनका पहले क्यों मार रहे हो, सुधार ग्रह होनी चाहिए। आज हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में जो टॉप लेवल के बैठे हुए लोग हैं वो लायक लोग नहीं है, वो लायक लोग नहीं है। मैंने एक टॉप लेवल के मेरे जो मित्र है उनको एक सजेशन दिया था कि सर जेल के अंदर जो कैदी जाते हैं और वैसी के वैसी वापस आते हैं, वैसी वो और दूसरी घटना करते हैं, तो ये जेल का क्या मतलब है। मैंने कहा जेल का नाम तो सुधार ग्रह होना चाहिए कि आप जाके उनको प्रशिक्षित करो, उनके ब्रेन की सर्जरी करो, देखो ये किस कारण से अपराधी बना है। अरे उन्होंने किसी को मतलब आदत ही हो जाती बोले वो करने, उन्होंने एक पॉइंट बोल के बात काट दी। तब मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहा अनिल बोला है तुम इधर कर क्या रहे हो, तुम थिंकर हो, तुम थिंकिंग क्यों नहीं दे रहे हो इनको। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मोक्ष कोई आपका हिंदू धर्म नहीं देने वाला, लिख लीजिए। और मेरे से अगर डिबेट डिस्कस करना है, आपका मोक्ष आपका हिंदू धर्म नहीं देने वाला, आपका मोक्ष आपका अल्लाह नहीं देने वाला, आपका मोक्ष आपका ईसाई धर्म नहीं देने वाला, आपको आपका मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला है आपका शरीर के अंदर में बैठा हुआ आपका सबकॉन्शियस माइंड चित्त है, और अंदर से ही आपका मालिकत्व निकलता है। हमारे अंदर में जो शक्ति आए ब्रह्मांड के साथ जुड़ती है, अच्छाई के साथ जुड़ती है। और अगर आपके अंदर में अच्छाई आ गई तो आपके अंदर अल्लाह भी आ जाएगा, भगवान भी आ जाएगा, ईश्वर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, कृष्ण भी आ जाएगा। अच्छाई चली गई तो आपके अंदर में शैतान आ जाएगा, आप इंसान नहीं रहोगे। तो ये जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो भी उनका काम जिन्होंने किया है, वो इंसान के रूप में जानवर से भी बदतर लोग, क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग गलत तरीके से की गई है, इनकी प्रोग्रामिंग गलत है। हमें माता बहनों पर अगर मान के चलो सम्मान की बात अगर नहीं आती तो नुकसान होगी क्या। हमें अगर हमारे घर से मम्मी का अगर इज्जत नहीं करते, हमारी बहनों की इज्जत नहीं करते, अगर ये हमारे अंदर में नहीं है तो हम कौन से नागरिक, कौन से नागरिक, और क्या हम उस आतंकवादी व्यक्ति का सम्मान करें, ये कहाँ का है। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता रहा हूँ, ये आंदोलन है, क्रांति है, आज़ादी की शुरुआत है,
हमें अंग्रेजों से जो आजादी जो मिली थी वो भौगोलिक आजादी थी, अंग्रेजों से जो आजादी मिली थी वो सीमाओं की आजादी थी, लेकिन असली आजादी की शुरुआत अभी शुरू हुई है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या है नो मायने नहीं रखती है, लेकिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक आदमी एक एक लाख के बराबर है। संदेश देने के लिए काफी है, हमारे पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, हम इसका उपयोग करें अच्छी चीजों के लिए। तो हम लोग एक प्रचार प्रसार का एक तंत्र कायम करें, हम लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजें। कोई अगर नेता अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर हम कितनी करें अच्छे से, उसको ये लगना चाहिए कि हमने विरोध किया है, चुपचाप नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट का अगर कलर डिसीजन आता उसके ऊपर हम अपनी बात रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में अगर वो गए हैं, हमको नागरिक होने के कारण अधिकार है। हाईकोर्ट अगर गड़बड़ जाता है तो हमको अधिकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। मैं आपको लास्ट में यही बात बोल रहा हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों के हक अधिकार संरक्षित रखने के लिए लिखा गया एक ग्रंथ है। आप इस देश के नागरिक है, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी, और नागरिकों को बहुत बड़े अधिकार मिलते हैं। आपके ही वोट से सरकार चलती है, वन वोट वन पावर है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में गड़बड़ी है, इसलिए ये जो आंदोलन है ये सामाजिक आंदोलन है, और आर्थिकता को रेगुलेट करने का मतलब सबको सम्मान मिले, सबका सम्मान हो। हम यहाँ पर जाति भेद फैलाने के लिए नहीं आए, हम किसी का अपमान करने के लिए नहीं आए। और मैं तो बोलता हूँ, मुझे गर्व है उस महापुरुषों का, हमारे महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने इनको जब पूछा गया कि महिलाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, तब उन्होंने बहुत अच्छा सवाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तथागत मतलब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम एक महिला के पेट से पैदा हुआ, वो महिला नहीं होती तो मैं पैदा नहीं होता। माँ सावित्री बाई फुले ने पहली स्कूल खोली आधुनिक भारत के अंदर महिलाओं के लिए, उसके पहले महिलाएं पर अनपढ़ रही थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। और ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया, क्यों? क्योंकि अंग्रेज वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे, तो वर्ण व्यवस्था के नाम पे जो धर्म चला रहे हैं वो आंतकवादी लोग, जो वर्ण व्यवस्था मानते हैं, जाति व्यवस्था मानते हैं, सुआसित करते हैं, भेद करते हैं, वो आंतकवादी लोग हैं, संविधान विरोधी है। आपको दिमाग में रखना चाहिए। और संविधान विरोधी लोगों का इलाज क्या है? उनको शब्दों से बात करना है, उनके ब्रेन की गलत चीजें निकालना है। आप उनको गोली मार के नहीं निकाल सकते, एक ही आदमी का मर्डर करोगे, लेकिन शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्दों में हजारों लोगों के दिमाग चेंज किए जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने छात्र जीवन के आंदोलन में सरकारी बसेस को जलाने से रोका, मैंने पुलिस को मारपीट करने से रोका स्टूडेंटों को। हमारे जब इधर छत्तीसगढ़ के अंदर में एक आदिवासी छात्रा के ऊपर बलात्कार जब हुआ तो लड़के बहुत क्रोधित हो गए थे, वो बोले कि हम आज सरकारी संपत्ति को जलाएंगे। मैंने मना करा, मैंने कहा नहीं, सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारी, हमको अधिकार नहीं है, हमको अधिकार अपना शांति के रूप में आंदोलन करना, हम अपनी आवाज़ उठा सकते लोकतंत्र, तो लोकतंत्र हमको आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उस बोलने के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई गलत डायरेक्शन हो इसकी आज़ादी नहीं देता है। पत्रकार को लिखने की आज़ादी देता है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखने की। इसलिए जो समानता बंधुत्व न्याय के विरोध में जो लिखे हुए ग्रंथ है, जिनको धार्मिक ग्रंथ कहकर प्रसारित प्रसार किया गया है, उसके ऊपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगाए, आर्टिकल 13 के अंदर भी उसको शून्य घोषित किया है। इसलिए कोई भी ग्रंथ हो उसके जो लाइनें अगर है गोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, एक लाइन बाहर निकलना चाहिए, धर्म ग्रंथ की लाइन नहीं है। अगर कोई ये धर्म ग्रंथ बोलता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुआ और उसके छाती से ये हुआ शूद्र हुआ ये हुआ, वो लाइनें बाहर निकलना चाहिए, उनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए, उसको प्रचार प्रसार धर्म का अंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिबंधित करता है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों घर में कॉन्स्टिट्यूशन, हाथ खड़ा करके बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग है ना, 9, 10 लोग, 10 लोगों के घर में कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी लोगों के घर में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। तो अब जिनके घर में नहीं है उनको क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन लेके पढ़ना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पे ये करना चाहिए, क्योंकि जिस ग्रंथ से देश चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उनके बारे में जब हम अज्ञान है तो हमारे ऊपर शासन तो होगा,
कोई भी नेता आके कुछ भी बोल देगा मान लेंगे हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन किसने है। वही एक अभी सुप्रीम कोर्ट में केस डाला ये बैंकर के विरोध में, तो मुझे एक उन्होंने बोला कि डिसीजन आना बाकी अभी 28 तारीख की हियरिंग है। तो एक हमारे मित्र बोलने लगे कि वो कार्रवाई जो करना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले भी कर सकती है भाई। मैंने कहा कैसे कर सकती है, कंडेम ऑफ कोर्ट लगेगा। कहने का मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में चलनी चाहिए, और नहीं चलती तो वहाँ हमको विरोध के रूप में खड़ा होना है, वहाँ पे हमें अपने मौलिक अधिकारी को संरक्षण करने का काम करना चाहिए। और इसके लिए अपने अंदर से डर आप भगा दीजिए, डर भगा दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, आप अपना हौसला बुलंद करिए। और मैंने कई गुंडा तत्वों को दोस्त बनाया, मैं दुश्मन नहीं बनाया, दोस्त बनाया उनको, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, संविधान का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, और संविधान के रूप में देश चले इसका मैं सम्मान करूँगा, और जो लोग संविधान के सपोर्ट में है उनका मैं सम्मान करूँगा, और जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं मैं उसका विरोध करूँगा और करते रहूँगा। आप भी मेरा साथ देते रहेंगे। इसी के साथ